Hello friends, my name is Dr. Shweta Goyal and now you are watching Engineering Master. This is a way to learn the physics concept and electrical concept. Okay, so in this video we will study about acceleration versus time graph. Okay student, in the previous video we studied that velocity versus time graph and displacement versus time graph. Okay, now in this video we will study the last graph we have, the kinematic graph, that is acceleration versus time graph. So in this video we will study that, and after that we will do some numerical upon that. Okay, like other graphs, it also has the different cases. The first case is that first of all the x axis will be time and y axis will be acceleration. Okay, acceleration will be in y axis and s axis will be time. So in first case, when the body moves with a constant velocity, okay, आपकी जो body है या कोई भी object की बात कर लेते हैं, यहाँ पे body को आप object भी कह सकते हैं, तो जो आपके जो object है वो constant velocity के साथ move करेगा, मतलब आपका जो body है वो constant है, velocity constant है, तो velocity constant है तो acceleration आपका कितना हो जाएगा, zero. ओके अगर आपका बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो आपका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जीरो. ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो. अब द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपका बॉडी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जाएगा तो आपका कुछ ग्राफ इस टाइप से बनना चाहिए कि वो एक जगह पे गया, लाइक बी ओ से ए पॉइंट पे चला, बी पॉइंट पे चला गया, बी पॉइंट के बाद उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. आप कितना भी टाइम बढ़ाएं उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. लाइक अगर आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं, आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आप 100 की स्पीड पे ही गाड़ी चला रहे हैं, आप उसको नहीं रोक रहे हैं और हाईवे पे जा रहे हैं, तो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, इस टाइम पे आपका जो वी हो जाएगा, वी हो जाएगा इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, जो आपका वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. आपका जो इक्वल इंटरवल टाइम पे आपका वेलोसिटी इक्वल चेंज होगा. ठीक है, तो ये दो टाइप के आपके केसेस बनते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में. तो इसके एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूमेरिकल से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ग्राफ से. ओके, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर द कर्व, आई एम राइटिंग हियर, एरिया अंडर द कर्व और ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी. ओके, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो इसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, चेंज इन वेलोसिटी. आपको इसमें पता चलता है कि आपके ग्राफ से कितना वेलोसिटी चेंज होगा. हम न्यूमेरिकल करते हैं, आपको समझ आ जाएगा. ओके, तो आपका न्यूमेरिकल है, आपको क्या दिया है, आपको कोई एक ग्राफ दिया है इस टाइप से आपको कोई एक ग्राफ दिया है, ये जिसकी वैल्यू 10 एंड 5 है, ये एक्सेलरेशन है, ये आपका टाइम है. ठीक है, आपको इस तरीके से कोई ग्राफ दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी एट 5 सेकेंड. ओके, आपको फाइंड करना है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन 5 सेकेंड. आपको 5 सेकेंड के अंदर चेंज इन वेलोसिटी करना है. ठीक है, 5 सेकेंड टाइम दे रखा है, तो मतलब ये वाला एक्सेस आपको बताना है इस 5 सेकेंड के अंदर आपका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ. तो जो आपका एरिया होता है, अभी बताया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में जो एरिया आपका होता है एटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो आपको क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी. आपको पता चलता है जो एरिया है वो आपका चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है. तो आपका जो एटी ग्राफ है ना, यहाँ से यहाँ तक तो चेंज हो रहा है और ये आपका यूनिफॉर्म जा रहा है ना, तो आपका ये जो यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा. आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल.
दैट इज हाफ इंटू हाइट अपॉन बेस. तो हाइट आपका कितना है, देखिए हाइट आपका है 10, है ना, यहां तक का आपका हाइट है, हाइट आपका है 10 इंटू बेस आपके पास कितना है 5, तो आपका कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 दैट इज 25. 25 आपका कितना आ जाएगा आपका जो 25 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ जाएगा. ठीक है, अब आपको सेकेंड आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक ग्राफ दे रखा है, इस तरीके से आपको ग्राफ दिए हैं, लाइक आपको ये ग्राफ दिया है और आपको इसके रिस्पेक्ट में थोड़े ग्राफ मिले हैं, लाइक दिस ग्राफ, दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ. ओके, यू हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ एंड यू हैव टू फाइंड विच इज द फॉलोइंग. क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग इज द वीटी ग्राफ सेम एज एटी ग्राफ. एटी ग्राफ, ओके, आपको ये एटी ग्राफ दे रखा है और ये आपके वीटी ग्राफ है. तो आपको क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपका कौन सा वीटी ग्राफ एटी ग्राफ के इक्वल है. तो आपको ये क्वेश्चन है, आपको इसमें से बताना है कि इन वाले ग्राफ में कौन सा आपका सेम काम कर रहा है. तो लेट सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं 0 से T1, T2 एंड T3. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप देखिए आपके डिफरेंट टाइम पे वैल्यू क्या मिल रही है. आपने क्वेश्चन गए, आपने देखा आपका 0 टू T1 जाने पर, ठीक है हम यहाँ पे देखते हैं 0 टू T1 जाने पर, 0 टू T1 जाने पर आप देखिए 0 टू T1 जा रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है ना, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट. ओके, अब T1 टू T2 आप देखिए आपका एक्सेलरेशन, आई एम राइटिंग हियर, एक्सेलरेशन जीरो है, देखिए जीरो एक्सेलरेशन है. अब T2 टू T3 जाने पर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया. ठीक है, आप देखिए T0 टू T1 जा रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो गई. उसके बाद T1 टू T2 जाएंगे, आपको एक्सेलरेशन कुछ नहीं मिल रहा है. T2 टू T3 जाएंगे, आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिल रहा है, ये देखिए, है ना. अब जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वीटी ग्राफ आप याद कीजिए, आपको मैंने पहले वीडियो में दिखाया है, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आपको वीटी ग्राफ किस टाइप से मिलता है, एक लीनियर ग्राफ आपको मिलता है. ठीक है, तो आप इसमें देखिए, अगर आप 0 टू T1 की बात करें, लेट सपोज हम इनको भी T1 और T2 में चेंज कर देते हैं. देखिए 0 टू T1 आप देखिए लीनियर आपको ये मिल रहा है, ये आपका डीएक्सेलरेशन में है, ये तो आपका कैंसिल हो गया ग्राफ. अब ये और ये बचा, ये आपका ठीक है ना, दोनों आपके जा रहे हैं. अब T1 टू T2 देखिए, T1 टू T2 एक्सेलरेशन जीरो है, जब आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट. और कांस्टेंट जो मैंने अभी आपको इसमें बताया कि आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा जब आपका वेलोसिटी जीरो है, सॉरी जब आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो आपका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट. तो आपका इस तरीके से कांस्टेंट जा रहा है ये वाला, एंड इसमें भी आपका कांस्टेंट जा रहा है, दोनों में कांस्टेंट है. ठीक है, अभी तक आप नहीं बता पाए किसमें है. थर्ड देखिए, आपका T2 टू T3 आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपका ग्राफ क्या होना चाहिए, लीनियर. अब देखिए इसमें आपका लीनियर नीचे की साइड डीएक्सेलरेशन हो गया, ये नहीं है, इसमें आपका एक्सेलरेशन ये जा रहा है, देखिए ये एंड ये. तो ये वाला ग्राफ जो है आपका आंसर है, इज सिमिलर टू दिस एटी ग्राफ. ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर. तो प्लीज डोंट बी अफ्रेड अबाउट एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी न्यूमेरिकल एनी क्वेश्चन प्लीज गिव मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट. ओके, सो थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. सो थैंक यू.